अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है पाकिस्तान। हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जो हमने शुरू किया है, इसलिए हम से मुराद मैं और मेरी टीम, क्योंकि आप मुझे तो देखते हैं सामने, लेकिन मेरी एक पूरी टीम है जो बड़ा एफर्ट करती है और मैं तो छांव में बैठती हूँ, बेचारे धूप में खड़े होकर वीडियो बना रहे होते। उसी तरह जैसे कुछ लोग नज़र आते हैं एज़ हीरोज़ और कुछ लोग नहीं नज़र आते, हमारे कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जो बहुत प्यारे प्यारे से काम करते हैं, जो रियल हीरोज़ ऑफ आर कंट्री हैं। उनमें से एक मिस्टर तालिब हुसैन है, हाजी तालिब हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, एक बात बताएं, आप जब छोटे से थे तो आप क्या बनना चाहते थे? जब आपसे कोई पूछता था कि बेटा तालिब क्या बनोगे, तो आप क्या कहते थे? उस टाइम कोई पूछता ही नहीं था, या आवारगी होती थी, गुर्बत होती थी, ये चारा वारा या डंगर चारने ये काम होता था, ये तो पता ही नहीं होता था। जवान हो गए, क्या बनना है क्या नहीं। तो फिर जब होश संभाला, हाँ, स्कूल गए आप? बेशक गए। अच्छा, कहाँ तक तालीम हासिल की? मैंने 5.5 जमातें पढ़ी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर तालीम क्यों छोड़ी? गुर्बत की वजह से। सही। उसके बाद फिर जब आपने होश संभाला और काम करने का वक्त आया, हाँ, तो किस उम्र पर काम करना शुरू किया? मैंने कोई 12-13 साल का था जब घर वालों ने किसी के डंगर चारने पर लगा दिया, किसी की मजदूरी करने में लगा दिया। फिर ऐसे करते करते कुछ ऐसा टाइम आया, इधर लाहौर में आ गया, ये मिठाई का काम शुरू कर दिया। अच्छा। बर्तन धोने का, बर्तन धोते धोते फिर कारीगर बन गए। 1972 में हम इधर आ गए इनके पास। ठीक है। 72 से लेकर आज तक इधर ही मजदूरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या क्या काम करते हैं? ये मिठाई का काम सारा करता हूँ। यानी कि मतलब नहीं, क्योंकि ये तो समोसे और जलेबियाँ और हर मिठाई यहाँ पे बनाते हैं। इधर क्या क्या बनता है? इधर समोसे बनते हैं, नमक पारे, जलेबियाँ, बस ये बनते हैं। और तब से लेके अब तक आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? हाँ जी। अपना काम नहीं शुरू कर पाए? एक दो दफा किया है, वो नहीं चला। वो क्या काम थे? यही काम, मिठाई का ही। खुद ही करने की भी कोशिश? हाँ जी। तो आपको क्यों लगता है कि नहीं चला? अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिसे नौकरी पे रखना चाहे वो उस पर रखता है, उसको तरक्की नहीं देता। इस काम से मैं दो दफ़ा उमरा भी, दो उम्रे भी करा है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो हज भी कर रहे हैं, क्योंकि हाजी साहब नहीं, दो उम्रे की हैं। अच्छा, तो यानी इंशाल्लाह जल्द हाजी भी बन जाए। अल्लाह की मर्जी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आप बार बार कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन कुछ जगहों पर माँ बाप जो हैं उनकी मेहनत और उनका एफर्ट भी आता है, तो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह या माशाल्लाह? माशाल्लाह। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं? 3 बेटियां हैं। 3, 7 बच्चे हैं माशाल्लाह जी। तो वो जो आपके 7 बच्चे हैं, उन्होंने तालीम हासिल की? हाँ जी, की है। की है। तो वो क्या क्या कर रहे हैं? वो एक पुलिस में है माशाल्लाह, एक रेलवे में है। अच्छा। एक इधर मेरे पास काम करता है। अच्छा। एक अभी फारग है। और बेटियां जो हैं शादीशुदा हैं? 2 शादीशुदा हैं, एक छोटी है अभी। एक अभी छोटी है। उनके लिए क्या ख्वाब देखा था? बस यही ख्वाब देखा था अभी मैं गरीब हूँ, ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो नौकरियों करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, बुढ़ापे में मेरा भी सहारा होगा बस। लेकिन आप तो अभी भी जॉब कर रहे हैं? अभी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है तो कर रहे हैं, वेले बैठ जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। शुरू से आदत है ना काम करने की, अभी वो बैठने की आदत नहीं पड़ी, भी बैठ जाए तो फारग हो गए, लेट जाए बस। अब मैं नमाज पढ़ी या काम किया, अल्लाह किया बस। तालिब अंकल, एक बात जहन में आती है, आप हर रोज़ इतने लोगों से मिलते हैं? हाँ जी। लोग आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, जाते हैं, कुछ लोग होंगे जो रेगुलर आते होंगे। हाँ जी। आपने क्या नोट किया है कि हमारा ये पाकिस्तान है तो बड़ा खूबसूरत? हाँ जी। लेकिन क्या कमी महसूस होती है आपको आजकल के लोगों में? कमी कोई नहीं, ये हालात की कमी है, हुक्मरानों की कमी है, कोई सूझबूझ नहीं आती, कोई इधर से दाल खा रहा है, कोई इधर से, कोई अच्छी प्यारी कोई हुकूमत नहीं चल रही, दीन का कोई मसला नहीं हल हो रहा। लेकिन आपस में लोगों के जो एक दूसरे से लेन देन होता है, गुफ्तगू होती है, उसमें आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि देखिए, हुकूमत की मज़हब वगैरह ये सब अपनी जगह होती है, लेकिन आपस में भी तो दो लोगों का एक दूसरे से एक ताल्लुक होता है ना। अब मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ तालिब अंकल सलाम अलैकुम, क्या हाल है, 6 समोसे पैक करवा दें, ये कर दें,
या मैं आके बड़ी बदतमीजी से कह सकती हूँ ये काम कर दे। लोगों के रवैये नहीं बदल गए। हम छोटे होते थे तो हमें डांट पिटती थी अगर हम तल्ख जबान में किसी से बात कर लेते थे या बुजुर्ग की या बड़े की नजरों में नजरें डाल के बात करते थे। अब एडवांस जमाना हो गया है ना, आगे कोई काम करना होता तो वो एक बड़े से काम पूछते थे। अब जितने घर के फर्द हैं उन सब की सलाह लेनी पड़ती है, अलग-अलग सलाह, अलग-अलग मशवरे, मीडिया, ये मोबाइल है, ये है, खुद मुख्तियार है, बच्चा कहता है मैं सब कुछ हूँ, ऐसे प्यार मोहब्बत जो बहुत कम हो गया। मुझे बताएं कि जिंदगी में अभी तक क्या सीखा है? अगर आपको किसी को एक वो जो कहते हैं ना डब्बे में डाल के एक गिफ्ट के तौर पे जिंदगी का जो खुलासा है वो किसी को बताना होता तो आप क्या कहते हैं अभी तक जो आपने सीखा है? मैंने तो यही सीखा भाई, अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, खुश इखलाकी से किसी से पेश आओ, अच्छी बात करो, अच्छा जवाब दो, अच्छी बातें करो, बस। इधर मेरा कभी इतनी 40 उम्र में झगड़ा नहीं हुआ कभी किसी से। ये बच्चे हैं, कभी इनको काम का डांट भी लेता हूँ, फिर प्यार भी कर लेता हूँ, बस यही रवैया सारी उम्र चल रहा मेरा। आपकी जो मिसेज हैं वो कभी आती है यहाँ पे? हाँ आती हैं, आती हैं, आज आ रही हैं गांव से इधर। अच्छा, तो कुछ वक्त गांव में होती हैं, कुछ वक्त यहाँ पे? हाँ जी। तो वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या मतलब पीछे गांव आपने कहा ना, तो गांव किधर है? उधर शेखुपुरा से आगे है मंडी सफदराबाद। मंडी सफदराबाद? हाँ जी। तो वहाँ से यहाँ कब शिफ्ट हुए? नहीं शिफ्ट नहीं, उधर ही है। उधर ही है? हाँ। अच्छा, फैमिली उधर ही है, आप यहाँ पे होते हैं? हाँ। तो फिर कितना जाते हैं घर वापस? बस 15-20 दिन बाद चले जाते हैं, 4-5 दिन। आप बूढ़े हो गए ना, पहले गए एक दिन दो दिन रहे आ गए, अब 5-5-10-10 दिन भी रह लेते हैं। अंकल आप 15 दिन के बाद एक दो दिन के लिए घर जाया करते थे? हाँ पहले, अब जरा थोड़ा लंबा चले जाते हैं। हाँ जी। कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? हर इंसान की कोई ख्वाहिश होती है। नहीं, मेरे अल्लाह ताला ने हर ख्वाहिशें पूरी की हैं। 3 बेटियाँ, बेटे हैं, अच्छे इज्जत करते हैं, अल्लाह का घर 2 दफ़ा देख आया हूँ, रोज़ी कमा रहा हूँ, हलाल की रोज़ी कमा रहा हूँ, बस और कोई किस्मत ख्वाहिश नहीं है। अब यही ख्वाहिश है कि मरूँ तो ईमान की हालत में, उठूँ तो ईमान की हालत में, बस अब ये ख्वाहिश रह गई। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे मुल्क के नौजवानों को आप कोई पैगाम दे सकते तो वो क्या पैगाम होता? वो पैगाम है माँ बाप की इज्जत करो, बहन भाइयों की इज्जत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इबादत करो, बस। थैंक यू सो मच अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी अच्छी लंबी उम्र दे और ईमान की हालत में बख्शे और ईमान में रखे, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में आपको रखो, आपके सब साथियों को भी ईमान की हालत में रखे। थैंक यू सो मच अंकल, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, थैंक यू। और अब हम तो जा रहे हैं लेकिन ज़रूर आप कुछ समोसे और जलेबियाँ लेके जाएंगे अपने दफ्तर के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर ये जो एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको तालिब अंकल के साथ मुलाकात करना अच्छा लगा होगा। ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा पाकिस्तान, ये है हमारे हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। और ज़रूर कॉमेंट्स भी शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू।
है।